आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हर सुबह आपको राशियों का सार बताते हैं और साथ में ही चर्चा करते हैं ग्रहों को लेकर, आपकी राशियों को लेकर और किसी विशेष पर्व विशेष त्यौहार को लेकर। अगर कोई खास बात हो आपकी जन्म कुंडली में या ग्रहों की दशा बदल रही हो, ग्रह मार्ग की या बकरी हो रहे हों, उसके बारे में जानकारी देते हैं, तो आज भी इसी प्रकार की चर्चा करेंगे। क्योंकि खास करके श्रावण मास आरंभ हो चुका है, भगवान भोलेनाथ को ये महीना बहुत प्रिय है और इस महीने में आप जैसी मनोकामना चाहें वो पूर्ण कर सकते हैं। केवल भगवान को बिलपत्री, कच्चा दूध और साथ में पुष्प आदि अर्पित करके भगवान शिव से मन चाह वरदान पा सकते हैं। तो इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट भी कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहनकर आए। हमारे इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं संदीप भारद्वाज राशि पर लिखकर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और Facebook पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक व शेयर अवश्य कर दें, आपका धन्यवाद होगा। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। 19 जुलाई सोमवार का दिन सन 2021 लगा हुआ है। सूर्योदय सुबह 5:39 पर, शाम को अस्त होंगे 7:26 पर। विक्रमी संवत 2078 और शुक्ल पक्ष तिथि दशमी, नक्षत्र विशाखा, योग शुभ और सूर्य का भ्रमण कर्क राशि में, चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं तुला राशि में। राहु काल का समय सुबह 7:23 से 9:06 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 12:05 से 1 बजे तक रहेगा। आज विशेष बात में आपको बताएंगे कि सावन में महादेव की पूजा से मिलता है शिव तत्व, इसके बारे में जानकारी। शिव की पूजा में सबसे श्रेष्ठ पार्थिव पूजा है। इस पूजा से रोग, शोक, पाप और दुखों का नाश होता है। श्रद्धा और समर्पण भाव से शिव की उपासना करने से शिव तत्व को जागृत किया जा सकता है, शिव तत्व की प्राप्ति भी होती है। शिव होने का अर्थ है एक ऐसा जीवन जो मैं और मेरे से ऊपर जिया गया हो, जहाँ जीवन तो है मगर जीवन के प्रति आसक्ति नहीं, और जहाँ रिश्ते हैं मगर किसी के भी प्रति राग और द्वेष नहीं, जहाँ प्रेम तो है मगर मोह नहीं, जहाँ अपनापन तो है मगर मेरापन नहीं, जहाँ ऐश्वर्य तो है मगर विलास नहीं, और जहाँ साक्षात माँ अन्नपूर्णा है मगर भोग नहीं, जहाँ नृत्य भी है, संगीत भी है, त्याग भी है और जोग भी है मगर अभिमान नहीं। तो ये है श्रावण मास का सारांश। जीवन की वह स्थिति जब हम विषमता से जीना सीख जाएं, जब हम निर्लिप्त रहकर बांटकर खाना सीख जाएं, जब हम काम की जगह राम में जीना सीख जाएं, वास्तव में शिव हो जाना ही है। और इसलिए भगवान शिव की उपासना करने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। और भगवान शिव सब रूप से विषम जैसे आभासित होने पर परम शांत एक रूप कृपा सागर कहलाए। अनिष्टकारक दुर्योगों में शिव का सहस्त्र मान थले करिए। अनिष्टकारक दुर्योगों में शिव की सहस्त्र नामावली, रुद्र अष्टाध्यायी और दरिद्र दहन स्तोत्र, महामृत्युंजय मंत्र, षडाक्षर एवं पंचाक्षर व श्रद्धा विश्वास के साथ पाठ करने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और ग्रहजन्य की बाधा दूर हो जाती है, सभी दिव्य सुख मिलते हैं। सौभाग्य प्रदान करने वाले शिव काल के भी काल हैं और महाकाल नित्यंता है। भगवान शिव परम कल्याणकारी हैं और श्रद्धा भाव से जो भी उनके दरबार में आया उसको अपना लेते हैं। भगवान शिव को जल की धारा के साथ ही मन की धारा भी अर्पित करने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। और खास करके श्रावण मास में हर रोज कच्ची लस्सी, उसमें काले तिल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं, बिलपत्री, अबरक, सफ़ेद पुष्प, दूब, भांग, धतूरा, अक के पत्ते ये लेकर भगवान शिव को अर्पित करें, कपूर से उनकी आरती करें और महामृत्युंजय मंत्र का पाठ, जहां आप शिव पंचाक्षरी इस मंत्र का पाठ करें और देखिए किस प्रकार आपका कल्याण होता है, भगवान शिव आपसे प्रसन्न होते हैं। और श्रावण के जो सोमवार पढ़ रहे हों, अगर आप लगातार ना सही केवल सोमवार की सोमवार रुद्राभिषेक करवाएं, और रुद्राभिषेक में खास करके अगर आप शहद का प्रयोग करें,
दूध का प्रयोग करें और कुशा के जल का प्रयोग करें या गन्ने के रस का प्रयोग करें, इससे अति उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। और किस चीज़ से अभिषेक करने से उसकी क्या फलों की प्राप्ति होगी, इसके बारे में अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं मेष जानकी अर्स को लेकर। आज सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर और पूरे दिन प्रसन्नता महसूस करने वाला रहेगा। प्लानिंग के लिए अच्छा दिन। कोई खरीदारी करने का मन है तो EMI का विकल्प भी लाभकारी होगा। कारोबार को लेकर स्थितियां सामान्य रहेंगी। कैरियर को लेकर अगर कोई खास तैयारी करना चाहते हैं तो आज से शुरुआत करना आपके लिए लाभकारी होगा। अपनी वाणी को लेकर थोड़ा सतर्क रहें, विनम्रता का भाव बनाए रखें, अन्यथा परेशानी में घिर सकते हैं। दांत या मसूड़े में अगर कोई समस्या है तो डॉक्टर के पास अवश्य जाएं। परिवार में कुछ सदस्य अगर मुश्किल में है तो सहयोग मांगने की प्रतीक्षा किए बगैर खुद आगे बढ़कर हर संभव मदद का प्रयास करें। वृषभ धन की टॉरस, आज आपको पर्सनल और प्रोफेशनल कामकाज या रिश्तों का अंतर समझकर काम करना होगा। कहीं ऑफिस में कोई जूनियर पूरी मेहनत से आपके साथ लगता है, उसका प्रसन्न बढ़ाने के लिए उसे उपहार दें। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा समय। कुछ नया करना चाहते हैं तो प्लानिंग के लिए दिन शुभ रहेगा। युवाओं को माता पिता के साथ समय बिताना चाहिए, उनका आशीर्वाद कवच के समान होगा। विद्यार्थियों को शिक्षकों की बात की अनदेखा नहीं करनी चाहिए। सेहत में अगर आप BP या शुगर से पीड़ित हैं तो विशेष ध्यान रखें। वहीं कोई नशा करते हैं तो उसे तत्काल छोड़ दें। परिवार में सभी का सहयोग और सम्मान आपको मिलेगा। मिथुन जाने की जैमिनी, आज के दिन बड़ों के निर्देशों का पालन करें। समाज में सीनियर या बॉस की सलाह लेना बहुत ही फायदेमंद रहेगा। विदेशी कंपनी में कार्यरत लोगों को अधिक काम करना होगा। दूसरी ओर जो विदेशी कंपनी की नौकरी की तलाश में आ रहे हैं उन्हें सकारात्मक सूचना मिलेगी। व्यापारियों को थोड़ा संभल कर चलना होगा। खर्चों का पूरा विवरण रखें। ज़्यादा खरीदारी करना आज ठीक नहीं। युवा और विद्यार्थी अपनों से बड़ों के साथ व्यवहार को लेकर सावधानी बरतें। स्वास्थ्य को लेकर आज ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं और घर में बड़ों के साथ संबंध मधुर रहेंगे। उनके आशीर्वाद को लेकर हर संभव सहयोग करें। कर्क जानकी कैंसर, आज के दिन फिजूल खर्ची से अनिवार्य रूप से बचें। आपकी सकारात्मक ऊर्जा और समर्पण को देखते हुए ऑफिस में बॉस अधिक कार्य दे सकते हैं। व्यापारी क्लाइंट को प्रसन्न रखने पर फोकस करें। अगर आप उनको कुछ उपहार देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। और विद्यार्थियों को आज पढ़ाई में कॉम्पिटिशन के लिए तैयार रहना होगा। सफलता पाने के लिए परिश्रम के साथ कोई समझौता ना करें। हाथों की देखभाल के साथ चोट से बचने की जरूरत होगी। जीवन साथी से अगर किसी बात पर विवाद हुआ है तो माता पिता किसी वस्तु की मांग कर रहे हैं तो आप उनको आज पूरा कर सकते हैं। सिंह जानकी लियो, आज के दिन अति आत्मविश्वास से बचने की जरूरत। मन को भटकने से बचाएं, अन्यथा आपके विरोधी इसे आपकी कमजोरी के तौर पर प्रचारित कर नुकसान पहुंचा सकते हैं। कार्यस्थल पर सभी के साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाएं। किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता कठिनाई में डाल सकती है। जिन्हें शुगर की समस्या है उन्हें खानपान की अनियमितता समस्याएं बढ़ सकती हैं। पारिवारिक स्थिति बेहतर रहेगी। अतिथियों के स्वागत सत्कार का मौका मिलेगा। कोर्ट कचहरी से जुड़ा कोई काम पेंडिंग है तो थोड़ा सावधान रहें। और कहीं पहले से ही कोई मुकदमा चल रहा है तो पेशी आदि पर जाते समय पूरी तैयारी के साथ जाएं। जल्दी परिस्थितियां अनुकूल होंगी। कन्या यानी कि वर्गो, आज मूड ऑफ रहने से काम बिगड़ सकता है। संभव हो तो अनावश्यक बातों को इग्नोर करें। ऑफिस में अनावश्यक बड़बोलापन दिखाने की बजाय काम पर फोकस करें। व्यापारियों के लिए दिन शुभ रहेगा। लंबे समय से अटका हुआ धन मिलने से आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। प्रतियोगिता आदि की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए दिन आज आलस से भरा हो सकता है, लेकिन ये आपको निराशा दिलाएगा, इसलिए अपने आप को सचेत रखें। पेट का खास ध्यान रखें। दर्द उठ सकता है और तला भुना मसालेदार भोजन खाने से बचें। गर्भवती महिलाएं गर्भस्थ शिशु की सुरक्षा का ध्यान रखें।
चोट आदि लगने की आशंका, वहीं परिवार में आज थोड़ा तनाव भरा माहौल बना रहेगा। सब प्रथम बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि मंगलवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा हमेशा आपको प्रसन्नचित रखे, सदा मुस्कुराते रहें, आपकी लंबी आयु हो, आप हमेशा विजयी रहें और सभी का भला करते रहें। इस प्रकार की हम आपके लिए मंगल कामना उस परम पिता परमात्मा से करते हैं। तो कल मंगलवार के दिन 7 देसी घी के दिए, 7 में 7 देसी घी से बने हुए लड्डू, 1 पानी वाला नारियल और 1 मीठा पान हनुमान जी को अर्पित कर दिए उनके समक्ष जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें, या बजरंग बाण का पाठ भी कर सकते हैं। और कल हो सके तो थोड़े गुड़ व चने बंदरों को खिलाएं, इससे आपका कल्याण भी होगा, ये वर्ष आपके लिए काफ़ी अच्छा जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज आप पर नकारात्मक चीजें भारी पड़ सकती हैं, इसलिए खुद को सकारात्मक बनाने के लिए पूरे प्रयास करें। नौकरी में बदलाव की संभावनाएं बन रही हैं, यदि नौकरी बदलना चाहते हैं तो अपने प्रयासों में तेजी लाएं। कारोबारी अलर्ट रहें, आप खुद या कर्मचारी किसी भी रूप में कोई गैर कानूनी काम ना करें। ऑफिसर्स की छापेमारी आदि की संभावना। स्वास्थ्य को लेकर आज कुछ आराम की जरूरत पड़ सकती है। हृदय रोगी खासतौर पर अलर्ट रहें, सीने में दर्द या एंजाइना हो सकती है। भाई के साथ वाद विवाद की आशंका, थोड़ा सहनशीलता दिखाएं और बड़े भाई नाराजगी दिखाते हैं तो धैर्य और आदर से उनके साथ बर्ताव करें। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन आपको कोई प्रपोज कर सकता है, उनकी बातों में आने से बचें, अन्यथा यह व्यवहार आपके विरुद्ध जा सकता है। ऑफिस में उन्नति की प्रबल संभावनाओं वाला दिन, व्यापार बढ़ाना चाहते हैं तो प्रयासों में और तेजी लाएं। खुद को किसी भी प्रकार के आलस से बचने की जरूरत, इसके चलते आपके बनते हुए काम भी बिगड़ सकते हैं। विद्यार्थी ये ना समझें कि एक बार की पढ़ाई से आपको सब कुछ कंठस्थ हो गया है, नियमित अभ्यास से ही परिणाम मन मुताबिक आ सकेंगे। स्वास्थ्य को लेकर पेट संबंधित परेशानियां बढ़ सकती हैं, खुद को तनाव मुक्त रखते हुए सभी के साथ सहयोग का व्यवहार रखें। धनु यानी कि सेजिटेरियस, आज के दिन दिमाग पैसा कमाने के नए नए आइडिया खोजने के लिए दौड़ेगा। नौकरी कर रहे लोगों के लिए दिन कुछ कठिनाइयों भरा हो सकता है। व्यापारियों को ध्यान रखना होगा कि आंखें मूंद कर अधिक उधार ना बांटें, अन्यथा इसकी वापसी मुश्किल हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए बहुत ही चुनौतियों वाला समय, किसी भी परीक्षा या कॉम्पिटिशन से डरे नहीं बल्कि सामना करें। स्वास्थ्य को लेकर ब्लड जब दूसरे अंगों में इन्फेक्शन की दिक्कत उभर सकती है, मच्छरों से बचकर रहने की जरूरत। जीवन साथी के साथ आपकी कुछ बहस हो सकती है, तालमेल बनाए रखें और प्यार बढ़ाने की कोशिश करें। मकर यानी कि कैप्रिकॉन, आज के दिन आपको अपने ज्ञान का बिल्कुल भी घमंड नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे आपको और विनम्र रहने की जरूरत। आज बॉस के साथ कुछ अनबन हो, ऐसे में ऐसी कोई बात ना करें जिससे आपकी नौकरी पर आंच आए। व्यापारियों के लिए आज बहुत ही दिमाग से काम लेने की जरूरत। अपने बड़े क्लाइंटों के साथ मधुर व्यवहार रखें क्योंकि ये आपको उन्नति के मार्ग पर ले जा सकते हैं। सेहत को लेकर मोटापा, थायराइड जैसी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। संतुलित आहार लें, नियमित व्यायाम करें, परिवार में आज अच्छा माहौल रहेगा। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज आप जितनी मेहनत और तपस्या करेंगे उतना ही यश की प्राप्ति होगी। यदि नौकरी में मन नहीं लग रहा तो फिलहाल शांत रहकर काम करें क्योंकि अभी नौकरी छोड़ना ठीक नहीं। टेक्सटाइल या रेडीमेड कपड़ों का काम कर रहे हैं तो दिन शुभ, निवेश आदि करना लाभकारी होगा। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य रहेगा। वहीं विद्यार्थी अगर किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो दिन उनके लिए अच्छा, साथ ही याद करने वाला काम ज़्यादा करना बेहतर होगा। लीवर संबंधी दिक्कतें उभर सकती हैं, माता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, संभव हो तो उन्हें उनकी पसंद की जगह पर घुमा दें। मीन यानी कि पाइसिस, आज लालच की प्रवृत्ति हावी होने का प्रयास कर सकती है, सावधान रहें। ऑफिस में कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा, पूरे उत्साह के साथ जाएं।
वरिष्ठ लोगों के साथ काम करने का अवसर उसके हाथ ना जाने दें। व्यापारी वर्ग को नियम अनुसार काम करना होगा। किसी भी मुनाफे या अत्यधिक लालच के चक्कर में गैर कानूनी टैक्स चोरी आदि काम बिल्कुल ना करें। विद्यार्थियों के लिए जिस समय तकनीकी ज्ञान बढ़ाने का, पढ़ाई की स्टाइल को थोड़ा अपग्रेड करें। स्वास्थ्य को लेकर हाथों की देखभाल करें। दुर्घटनावश गंभीर चोट लगने की आशंका। घर में कोई पूजा पाठ या सांस्कृतिक कार्यक्रम होने का योग दिख रहा है। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।